हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आकांक्षा और आज का जो वीडियो है उसमें एक प्रोडक्ट का रिव्यू करने वाली हूँ। तो आप लोगों ने सनस्क्रीन के बारे में तो सुना ही होगा और आई होप आप सभी लोग सनस्क्रीन की इम्पोर्टेंस समझते होंगे और सब लोग इसको यूज़ करते होंगे, क्योंकि सनस्क्रीन हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आज मैं एक सनस्क्रीन का ही रिव्यू करने वाली हूँ। तो जो लोग मेरे पुराने वीडियोस देखते हैं उनको पता होगा कि मैं ये लोटस का सनस्क्रीन यूज़ करती थी, अभी तक कर रही थी कुछ दिन पहले तक, पर मुझे लग रहा था कि मुझे कोई मेडिकेटेड सनस्क्रीन यूज़ करना चाहिए। तो फिर मैंने ये वाला सनस्क्रीन सनकोट जेल, ये अभी 1 वीक हुआ है, यूज़ करना शुरू किया। और क्योंकि मेरे स्किन पर प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होते हैं, पर इसको लगाने से मुझे कुछ भी प्रॉब्लम ऐसे नज़र नहीं आया और काफ़ी अच्छा मैं फील कर रही थी इसको लगाने के बाद, तो सोचा इसका रिव्यू कर देना चाहिए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। रिव्यू स्टार्ट करने से पहले जान लेते हैं कि सनस्क्रीन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है। तो सनस्क्रीन जो सनरेज होती हैं, यूवी रेज होती हैं, उससे हमारे स्किन को प्रोटेक्ट करता है। जो सन से, सन एक्सपोजर से टैनिंग हो जाती है, बर्निंग सन बर्न हो जाते हैं, उनसे भी प्रोटेक्शन करता है। साथ ही साथ कुछ लोगों को धूप में जाने के बाद ईचिंग होने लगती है, गाल बिल्कुल लाल लाल हो जाते हैं, तो ऐसी सारी चीज़ों से ये प्रोटेक्ट करता है। साथ ही साथ स्किन कैंसर तक से ये हमारा प्रोटेक्शन करता है। तो इसके सिर्फ स्किन के लिए बेनिफिशियल नहीं है, ये हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो अगर आप चाहते हैं क्लीन एंड क्लियर, ब्यूटीफुल, हेल्दी, बेदाग और मतलब परफेक्ट स्किन चाहते हो, तो सनस्क्रीन को यूज़ करना बिल्कुल भी मत भूलिए। फिर चाहे गर्मी हो, बारिश हो और सर्दी हो, ठीक है, आप बीचेस पे जाओ या फिर आप हिल स्टेशन पे जा रहे हो, आपको सनस्क्रीन यूज़ करना ही करना है। तो बहुत सालों पहले मुझे पता भी नहीं था कि सनस्क्रीन होता क्या है, मुझे तो किसी ने बताया नहीं, ना ही घर पे कोई यूज़ करता था, क्योंकि कोई भी नहीं, मतलब बहुत कम लोगों को पता होता होगा, मुझे तो नहीं पता था, तो मैं ये सारी चीज़ें यूज़ नहीं करती थी। आजकल तो बच्चों के लिए भी सनस्क्रीन आते हैं, पर हमारे टाइम पर ऐसा कुछ होता नहीं था। पर जब से मैंने ये चीज़ मतलब समझी है कि सनस्क्रीन कितना इम्पॉर्टेंट है, और तब से मैंने लगाना शुरू किया। मैं एवरी डे लगाती हूँ, चाहे घर पर रहूँ बाहर रहूँ, उससे क्या होता है स्किन इतनी अच्छी हो जाएगी, आपको 6-7 दिन में ही फ़र्क नज़र आने लगेगा। तो जो लोग नहीं अभी तक सनस्क्रीन यूज़ करते हैं, तो प्लीज़ प्लीज़ करना शुरू कर दीजिए। तो मॉर्निंग में फेस वॉश करने के बाद आप टोनिंग कीजिए, टोनिंग के बाद कोई भी मॉइस्चराइज़र लगा लीजिए, जो भी आपको सूट करता हो या क्रीम जो भी सूट करती हो वो आप लगा सकते हैं, और उसके ऊपर आप सनस्क्रीन लगाइए। बहुत सारे सनस्क्रीन आजकल ऐसे आते हैं जो मॉइस्चराइज़र का और सनस्क्रीन दोनों का काम करते हैं, तो आपको मॉइस्चराइज़र लगाने की फिर ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ वही सनस्क्रीन लगा लीजिए। सनस्क्रीन जो होता है वो आपको रीअप्लाई करना होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एक बार सनस्क्रीन लगा लिया और पूरे दिन तक काम चलता रहेगा, ऐसा नहीं होता है, आपको उसको रीअप्लाई करना होता है। ये जो सनस्क्रीन है ये SPF 30 है, तो कम से कम आपको 15 SPF यूज़ करना ही करना है, और अगर बहुत ज़्यादा धूप है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो आपको 30-50 SPF वाले सनस्क्रीन यूज़ करने चाहिए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस प्रोडक्ट का रिव्यू। तो ये जो प्रोडक्ट है, इसकी पैकेजिंग कुछ ऐसी है, ऐसे बॉक्स में आता है, ये आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मिल जाएगा, किसी भी मेडिकल स्टोर पर ईज़िली अवेलेबल है, ऑनलाइन आपको अमेज़ॉन पर मिल जाता है। ओपन करने पर ये इस टाइप के ट्यूब में आता है, और 100 ग्राम का पैक है, 30 SPF, और सारी डिटेल मेंशन है। इसके MRP की बात करें तो ये 425 रुपीज़ का है, और इसकी सेल्फ लाइफ की बात करें तो ये 2019-2021 तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सारे इंग्रेडिएंट्स मेंशन हैं और इसमें पैराबेन नहीं है, तो ये इसकी अच्छी बात है, और इसको कैसे यूज़ करना है ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन की हुई हैं। तो चलिए अब इसका टेक्सचर देख लेते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेटेड है, जेल बेस्ड है, और बहुत ही माइल्ड फ्रेग्रेंस है, बहुत ही प्यारी फ्रेग्रेंस है मतलब इसकी। और ये देखिए लाइट पिंक कलर का इसका कलर है,
और जब भी आप स्किन पर लगाते हैं ना तो बिल्कुल भी वाइट वाइट नहीं होगा, बहुत अच्छे से ये एब्जॉर्ब हो जाती है। थोड़ी देर अगर वाइट वाइट लगता भी है तो कुछ देर में बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, जो आपका स्किन का कलर है वैसा हो जाएगा। इसके ऊपर आप मेकअप कर सकते हैं, देखिए कितने अच्छे से एब्जॉर्ब हो गया और स्किन पे बिल्कुल भी ऑयली नहीं लगता है, ग्रीसी नहीं लगता है। इसको लगाने के बाद ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होगी, ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। तो अब बात करते हैं सनस्क्रीन को लगाना कैसे चाहिए। धूप में जाने के 15-20 मिनट पहले ही सनस्क्रीन को अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि अगर आपने लगाया और तुरंत धूप में चले गए तो वो काम नहीं करता है। उसको भी सेट होने के लिए 15-20 मिनट का टाइम चाहिए, तो जाने से पहले 15-20 मिनट पहले ही लगा लेना है। तो सनस्क्रीन की एक बहुत छोटी सी क्वांटिटी लेनी होती है, तो थोड़ा सा आप सनस्क्रीन ले लीजिए अपने फेस के अकॉर्डिंग और इसको अपने पूरे फेस पर लगा लीजिए। इसके बाद आपको एक बात याद रखनी है कि मलना नहीं है आपको, बस हल्के हाथों से टैप करके इसको अप्लाई करना है। पूरे फेस पे एक पतली सी लेयर अप्लाई हो जानी चाहिए। इसके साथ ही साथ आपके अंडर आई एरिया को भी आप सनस्क्रीन से कवर कीजिए, नेक को और ईयर्स को भी सनस्क्रीन से कवर कर लीजिए। अगर आपने फुल स्लीव्स नहीं पहने हुए हैं तो हाथों पर भी सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर आप शॉर्ट्स वगैरह पहने हुए हैं तो आपको लेग्स को भी सनस्क्रीन से कवर करना चाहिए। इसके साथ ही आपको SPF वाला लिप बाम यूज़ करना चाहिए, और अगर आप SPF वाला लिप बाम यूज़ नहीं करते हैं तो एक पतली सी लेयर सनस्क्रीन की अपने लिप्स पर भी लगाइए। तो चाहे आप ये सनस्क्रीन यूज़ करते हैं या कोई भी आपको और कोई सा दूसरा पसंद है वो यूज़ करते हैं, लगाने का तरीका सेम ही है। कोई भी सनस्क्रीन यूज़ करो, पर यूज़ ज़रूर करो। और स्किन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हो, लगता है कि सनस्क्रीन सूट नहीं करते, बहुत लोगों का कहना होता है कि मैं सनस्क्रीन लगाती हूँ तो मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं इसलिए सनस्क्रीन लगाते ही नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए। कोई भी स्किन टाइप हो, पिंपल्स हो, कुछ भी हो, सनस्क्रीन तो लगाना ही लगाना है। पर हाँ, अगर कोई स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो तो हमेशा मेडिकेटेड सनस्क्रीन यूज़ कीजिए, ये बहुत अच्छा सनस्क्रीन है। अगर सेंसिटिव स्किन है, ऑयली है, ड्राई है, कोई भी स्किन वाले इसको यूज़ कर सकते हैं, पर सेंसिटिव एक्ने प्रोन स्किन वाले लोग इसको ज़रूर यूज़ करके देखिए। तो आई होप आपको सनस्क्रीन की इम्पॉर्टेंस समझ आ गई होगी, और अब से अगर आप सनस्क्रीन यूज़ नहीं करते हैं तो करना शुरू कर देंगे। और अगर आप इस सनस्क्रीन को परचेस करना चाहते हैं तो मैं परचेसिंग लिंक दे दूँगी, और नहीं तो ये आपके आसपास के मेडिकल स्टोर पर मिल ही जाएगा। अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। जो कॉर्नर पे साइड में एक रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा हुआ रहता है, वहाँ पर आपको प्रेस करना है जिससे मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, और आपको बेल आइकन को प्रेस करना है जिससे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप मेरे वीडियो देख पाएंगे। अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ इनको अपने ग्रुप्स में शेयर ज़रूर ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली को शेयर ज़रूर कीजिए। तो अब मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।